कामगारों एवं श्रमिकों को सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक सेवा योजन एवं रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी क्षमता के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने हेतु गठित समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि सहित समिति के अन्य सदस्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि सभी संबंधित विभाग अपने विभागों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें, जिससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। जिलाधिकारी ने इसकी सूची जल्द से जल्द बनाकर प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। और उस ऐप पर स्किल नॉन स्किल सभी श्रमिकों का डाटा जो भी विभाग में अपने विभागीय अधिकारी जो आईडी है विभाग का और पासवर्ड उसका इस्तेमाल IGRS है उससे आप प्रमोट कर सकते हैं। ये शासन के साथ में एक अपील गया है उसमें IGRS की जो आईडी है सेवा योजन UPI NIC.in पर जब जाएंगे आप तो वहाँ पर आईडी और पासवर्ड की जगह पर सेवा जन सुनवाई पोर्टल की जो आपकी आईडी है वो निकाल देंगे और पासवर्ड में इस्तेमाल में IGRS डाल करके आप फिर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर वेबसाइट में सेवा में प्राप्त है और पूरे इस जनपद की जितनी सूची है इसकी नाम वहाँ पर आपको दिख जाएगी, चाहेंगे ब्लॉकवार या तहसीलवार या पूरे जनपद वहाँ से आप वो जिनका भी आप सिलेक्शन करेंगे इसमें साथ में देखना है उनका सत्यापन भी करना है, बहुत मामूली से सूचना है जो करके और सेवा मित्र ऐप पर आप ठीक कर देंगे कि ये आपके विभाग द्वारा इनको ये लाभ दे दिया गया, फिर दिखेगा कि हाँ इस योजना के तहत इस लाभार्थी को इनका चयन हो गया, इनको लाभ दे दिया गया। जो इनका डिपार्टमेंट है उन्होंने उस डेटा को लिया, जिले से लेके डेटा उन्होंने अपने हिसाब से फिल्टर करके अब अपना एक जो पोर्टल है ना सेवा योजन .in पे उस पर अब वो सारा डेटा नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जिले पे हमें ये करना है कि हमें एक लॉगिन आईडी दे दी गई है और लॉगिन आईडी वही है जो आपकी जन सुनवाई की लॉगिन आईडी है, उस लॉगिन आईडी से पासवर्ड IGRS डालते हो तो आप लॉगिन करके देखोगे तो आपको लोगों की सूची दिखेगी। अब आप उसको देखेंगे कि दो कैटेगरी के लोग हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। आपको ये देखना है कि आपके विभाग में कौन सी ऐसी चीज़ है या जिस वोकेशनल कॉलेज का आदमी है उस आदमी को आप कैसे बेनिफिट कर सकते हो। मतलब अब जैसे एग्रीकल्चर वाला है तो एग्रीकल्चर वाला अपना टाइप का देगा, ITI है या स्किल डेवलपमेंट है तो आप ट्रेनिंग लोगे, फलोज्ञान है तो फलोज्ञान अपने हिसाब से देगा, BFDIC साहब है तो वो अपनी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप हो गया या जॉब लगाना है या वो सब देखा जाएगा। तो आप लोगों को करना ये है कि एक तो अपने सभी लोग अपना अपना लॉग इन कर लें एक दो दिन में जो भी करना है अपने विभाग में, क्योंकि ये चीज़ जो है इसका एक आयोग अलग से गठित हुआ है ऊपर और गठित आयोग के क्रम में ही हम लोगों की एक कमेटी यहाँ पे बनी है। अब होगा ये कि इसका वीकली मॉनिटरिंग होगा, तो अभी तो सिर्फ ये आया कि आप लॉगिन कर लें, आईडी पासवर्ड अपना बना लें, इसके आगे आपको क्या करना होगा जो डेटा आपके यहाँ आया है अपने यहाँ किसी एक बंदे को लगा दीजिए इसमें समझने के लिए कि आप आइडेंटिफाई कर लें कम से कम ये कि हमारे कौन कौन से फील्ड हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है, चाहे NRLS हो चाहे BMTIC हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, आप लोग देख लें कि किस किस स्किल सेट का आदमी हमारे काम में आ जाएगा, वो एक तरह से इफेक्टिवली आपके आगे लिस्ट टाइप की बन जाएगी। क्योंकि अगले हफ्ते के बाद या जब भी नेक्स्ट वैलेशन आएगा आपके विभाग को खुद उस लोगों को सत्यापित करना है। तो एक तो ये है कन्वीनियंटली आप कह दो कि भाई हमारी सूटेबिलिटी का कोई आदमी नहीं मिला, वो हम कर नहीं सकते, जितने लोग आए फिर ये होगा कि आपके विभाग का आदमी जाए उनका सर्वे करे उनसे पूछे कि आपका ये स्किल सेट है, क्या आप हमारे विभाग से किसी स्कीम में इंटरेस्टेड हो या नहीं, और उसको अप्रोच करके आप जॉब दिलाओ या जो भी दिला सकते हो दिलाओ, ट्रेनिंग दिलाओ, जॉब दिलाओ, सब्सिडी दिलाओ, ग्रुप में जुड़ाओ, जो भी करना है। इसलिए जो निर्देश जारी करेंगे उसको लिख भी दीजिएगा कि सारे डिपार्टमेंट को ये निर्देश दे दिया गया कि उस लिस्ट को पढ़ते हुए अपने स्किल सेट से संबंधित जो स्थिति है उसको देख लें और उसके साथ साथ भी टारगेट सेटिंग कर लें कि हम कितने लोगों को इसमें बेनिफिट कर पाएंगे। ये मेनली है और उसका अगर शैक्षिक कोई योग्यता है उसको टिक कर देना है, वो आपके पास जब आएगा और ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। पर्टिकुलर स्किल सेट का आदमी दिखाया, मान लीजिए बाइक का काम या कुछ करता हुआ दिखाया तो या तो सबके पास तो ऑफिशियल होगा नहीं, उसका कैसे करेंगे। कई लोग हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं, बाइक का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं और बड़े हाईवे ये बनवा लेंगे, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये इसके डेवलपमेंट की भी बात हो रही थी, कोई होता है सर ट्रेनिंग होती है।
आपको बढ़ गया सर, बढ़ गया मतलब जो आपको पोर्टल में पहले 45,000 पे अभी क्या बढ़ गया, अभी संख्या हम बढ़ी संख्या पर हो गया सर। उसमें से अपनी जो योजनाएं चल रही है सर, कितने लोग लोन लेके स्वतः रोजगारी काम कराने चाहते हैं वो है आपके पास आकड़ा? और 18,000 एक करोड़ चाहिए तो मुद्रा लोन आराम से मिल जाए, 50,000 तक आराम से दे सकते हैं। इसमें मुझे ये दो कैटेगरी चाहिए, स्वतः रोजगार लोन कराने चाहते हैं और बाकी किसी के साथ।